आपने एनसी के नेता रोहिला का बयान सुना, कहता कश्मीर में अभी गुस्सा है, 1990 रिपीट करेंगे, यानी निर्दोषों को फिर मारेंगे। यह भाषा है एनसी की। इसलिए जम्मू कश्मीर के नागरिकों का फर्ज है कि इन तीन परिवारों को सत्ता से बाहर रखना, इन दरिंदों को जो जम्मू कश्मीर को लूटते आए, इन लोगों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की फैक्ट्री बना दिया, जिसको आतंकवाद की कैपिटल बना दिया, इन तीन परिवारों से मुक्ति जरूरी है। तो उस मुक्ति के लिए राम मन में हमें 10% वोट बढ़ाना है। ये आज भी पूछिए फारूक अब्दुल्ला साहब, हफ्ते में एक बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान की दया पे चलो, चाइना की बात करो। ये वही महबूबा जी हैं, आज से 4 महीने पहले कहती थी कि कोई तिरंगा नहीं उठाएगा यहां पर, यही महबूबा जी हैं जो कल कहती थी कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान वापस आ सकता है तो यहां भी मुजाहिदीन वापस आ सकते हैं। आप वापस आतंकवाद के युग में ले जाना चाहते हो, रोकना है ना इनको, रोकना है ना, अपना जम्मू कश्मीर बचाना है ना, जिस जम्मू कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, जहां मुखर्जी बलिदान हुए वो कश्मीर हमारा है, जिस जम्मू कश्मीर के लिए प्रेमनाथ डोगरा ने संघर्ष किया, जिस जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए शेख अब्दुल्ला ने षड्यंत्र रचा, वही शेख अब्दुल्ला आज कांग्रेस उससे गलबैया कर डाल रही है, जिसे 20 साल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया में जेल में रखा था, जिसके सबूत थे, इन्होंने समझौता करके उनको वापस सत्ता में ले आए। ये जम्मू कश्मीर को आपके हवाले करना चाहते, आज भी उनके बयान पढ़ लो, उनके बयानों में स्पष्ट दिखता है कि किस तरह जम्मू कश्मीर को वो दहकते शोलों पर फेंकना चाहते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है, ये चुनाव जम्मू कश्मीर को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव इन दरिंदों से जम्मू कश्मीर को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव इन तीन परिवारों को सत्ता से बाहर रखने का चुनाव है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी के विकास और विश्वास के मॉडल को मोहर लगाने का चुनाव है, ये चुनाव 370 और 35 की गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले मोदी के साथ खड़े होने का चुनाव। रामबन जिले के विधानसभा को मैंने दौरा किया है, बहुत जोश है भाजपा के कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि जम्मू कश्मीर को मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी नेहरू परिवार की गिद्ध दृष्टि से, षड्यंत्र से हम बचाएंगे। किसी भी सूरत में इनका नरेटिव नहीं कामयाब होने दिया जाए। ये तीनों परिवार जम्मू कश्मीर को वापस 370 की जंजीरों में बांधना चाहते हैं। ये तीनों परिवार जम्मू कश्मीर के अंदर वापस कुषाण युग लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगेगा, मेहनत की प्रकाष्ठा करेगा, जन जन को जाकर समझाएगा और किसी भी सूरत में इन तीन परिवारों का षड्यंत्र, यानी जम्मू कश्मीर को 370 और 35 ए की जंजीरों में बांधने का, उसे पूरा नहीं होने दिया जाएगा। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान और इन तीन परिवारों की दास्ता से जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिलाई थी। अब जम्मू कश्मीर आगे बढ़ चुका, इन तीन परिवारों ने 1990 में जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ छल किया था, षड्यंत्र किया था, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में फारूक अब्दुल्ला साहब हो,
या गृह मंत्री के रूप में मुफ्ती साहब हो या कांग्रेस की इनके साथ पैट हो, तीनों परिवारों ने षड्यंत्र रचा था। अब जम्मू कश्मीर की जनता इन तीन परिवारों के षड्यंत्र में नहीं आने वाली। इन तीन परिवारों ने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बना दिया था, बदनाम कर दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को विकास विश्वास की राह पर लाकर टूरिज्म कैपिटल बनाया है। किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर को इनकी नजर नहीं लगने देगी।